चीवियस वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी एंड सब फर्टिलिटी पे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ा ही अच्छी बात हमें बताई कि अक्सर रिपोर्ट्स और सब कुछ जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, सिर्फ कपल जो होता है वो अंडर स्ट्रेस होता है, इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहा था। सिर्फ फीमेल के साथ ही रीज़न है, मेल के साथ भी रीज़न है? अच्छा, इसमें देखिए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रेस है, बहुत सारी वजूहात की होती हैं कपल्स के साथ भी, ऐसा नहीं है। डायग्नोस्टिक पर्पस नहीं, जब कोई और वजह नहीं हो पा रही होती है मोस्टली फीमेल्स के साथ ही लिया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो मेल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ एक अरसा जब गुजरता है ना, जैसे आप देखें 10 साल हैं, 11 साल हैं, 18 साल हैं, तो एक अरसा जब गुजरता है तो अल्टीमेटली वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको भी होता है कि किसी तरह भी हमें अब कंसीव हो जाना चाहिए। बहुत लंबा टाइम 18 ईयर्स वाले भी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे पास कंसीव किया है। पिछले ही दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसने 13 साल के बाद कंसीव किया और उसके हस्बैंड सिर्फ अपने पेरेंट्स का एक ही बेटा था और बिलीव करो कि उनकी फाइल इतनी ज़्यादा मोटी थी कि मतलब उन्होंने कोई दाई, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ, कोई आलिम दीन और कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था। और एट लास्ट वो सेटना की लास्ट ट्रीटमेंट उनके पास थी, डॉक्टर सेटना की, जो मेरे पास लेकर आए थे कि उन्होंने मना कर दिया है कि अब मतलब हमें कोई चांस नहीं लग रहा कि आप कंसीव कर सकेंगे। जब वो मेरे पास आए तो बिल्कुल बिल्कुल होपलेस थे, बिल्कुल होपलेस थे और कहने लगे डॉक्टर साहब ये लास्ट कोशिश, हमने आपका नाम सुना था तो मैं आपके पास आया हूँ, ये लास्ट ट्राई, हम अभी भी सोच रहे हैं कि शायद ये एक लास्ट ट्राई, हम आपके पास आए और शायद तुम सोच नहीं सकती कि जब वो मेरे पास आया तो मैंने एक ही बात उनसे कही कि देखो ये फाइल तुम्हारी देख के आइडिया हो गया कि तुम लोग कितने कॉन्शियस हो, मुझे लगता है तुम मेरे पास से भी कहीं और जाओगे सुनोगे तो, लेकिन एक प्रॉमिस मेरे से करो कि जब मैं तुम्हें ट्रीटमेंट करूँगी तो तुम 1 साल तक कहीं नहीं जाओगे। तो शायद वो ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे। तो अच्छा, उन्होंने उसके हस्बैंड ने मुझसे वादा किया, ओके फाइन आप कहते हैं तो मैं 1 साल तक कहीं नहीं जाऊँगा। और मैं तुम्हें बताकर ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पिछले दिन उन्होंने संडे के दिन मुझे फ़ोन किया, मतलब मैंने उनको ट्रीट किया। अच्छा होता क्या है कि इसकी ट्रीटमेंट जो दी जाती है इनिशियली, आपको पता है कि हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं, फॉलिक्यूल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जिस टाइम पे बुलाती है डॉक्टर उस टाइम पे पेशेंट ने आना होता है और ये 3 महीने की हम इनिशियली ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं जो ये कई दफ़ा ले चुकी थी। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि वो पेशेंट जब मेरे पास आई तो मैंने उनसे कहा देखो बेटा मैं 3 महीने की आपको ट्रीटमेंट दूंगी, 1 साल तक आपने कहीं नहीं जाना। 3 मंथ्स की होती है ना? नहीं नहीं, what was her age? Age, she is I think 30 years. शादी को 13 साल हो गया, 30 years हो गया, alright. She is young, still she is young. तो अच्छी educated लड़की है और बहुत अच्छी family से belong करती है। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसने तो खैर वो तो बेचारी एग्री ही थी बच्ची, लेकिन ये कि अक्सर मुझे फ़ोन, मतलब 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद रमज़ान का हमारा टारगेट था कि रमज़ान में वो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा था अब नेक्स्ट रमज़ान तक हम देखते हैं, लेट्स सी कि क्या फर्दर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है अगर ना हुआ तो। सपोज अवल तो मैंने कहा था कि हो जाएगा, मैं उनको पूरा यकीन दिला देती हूँ। अच्छा, इतने डेस्परेट थे तो अभी तक उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सारे ऑप्शंस ट्राई नहीं किए थे? वो सब कुछ करवा कर आए थे। हाय अल्लाह, वो भी करवा लिया था, वो सब कुछ करवा कर आए थे, कंसेप्ट से सब कुछ करवा कर आए थे, सब में फेलियर, इवन IUI भी करवा चुके थे वो। अच्छा, वो भी रिपीटेड 3 टाइम्स करवा कर आए थे, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन फिर भी आ गए, वो सुनकर फिर भी आ गए क्योंकि एक पेशेंट और थी जिसने मेरे पास कंसीव किया था तो उसने रेफर किया था इनको कि भाई आप उनके पास चले जाओ। तो मैं तुम्हें कह रही ना मैंने कुछ नहीं किया, उसका स्ट्रेस पहले तो हटाया, तो मैंने कहा ऐसा करो तुम लोग कहीं घूमने चले जाओ 10-15 दिन के लिए तो थोड़ा सा सेटल्ड हो जाओगे। तो वो पॉसिबल नहीं था, उसने कहा पॉसिबल नहीं है, मेरे हस्बैंड की जॉब है। तो मैंने कहा फिर एक वादा करो कि तुम जहन से ही हटा दोगी, तुम ये सोचो कि बस अल्लाह ने मुझे देना है तो अल्लाह मियाँ तुम्हें देंगे, अब ये चीज़ एक जहन में बिठा लो कि होना है तो होना है, अब तुम छोड़ दो। अच्छा, उसने मुझे फ़ोन किया पिछले दिनों, मुझे संडे के दिन उसने मुझे फ़ोन किया, संडे को एक्चुअली मैं जाती नहीं हूँ हॉस्पिटल, तो उसने मुझे फ़ोन किया डॉक्टर साहब एक्चुअली मुझे इतने दिन ऊपर हो गए हैं, कभी पहले हुए नहीं थे, लेकिन मेरे स्ट्रिप में नहीं आ रहा है, यूरिन मैंने टेस्ट किया उसमें कुछ नहीं आ रहा और हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं और मेरी सास पूरी रात नमाज़ पढ़ती रही हैं और आप कुछ भी करके आ जाएं और मुझे देख लें, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती जो उसके एक्सप्रेशन थे। तो मैंने कहा ओके फाइन, तुम्हारे लिए मैं आती हूँ, संडे को मैं वैसे नहीं जाती लेकिन मैंने कहा ओके तुम बहुत ज़्यादा ये बहुत प्रेशियस है तुम्हारे लिए बहुत है तो फिर मैं आती हूँ, ओके लीव करो राफिया। मैंने सिर्फ प्रॉप रखा है अल्ट्रासाउंड का तो उसने कंसीव कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह और सैक बाकायदा था और माशाल्लाह वो बहुत खुश है और अभी मेरे प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से ये आ रही है मेरे पास और रेगुलर चेकअप में। जद्दोजहद और मेहनत करके इतनी मोटी फाइल बना कर आए, मतलब ना उम्मीदी देखे
नाउम्मीदी फिर भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आते हैं पेशेंट और कह रहे होते हैं कि उन्होंने उस डॉक्टर ने कह दिया, उस डॉक्टर ने कह दिया, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि डॉक्टर खुदा नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, ऑफ कोर्स हैं कुछ केसेस ऐसे वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, जिसमें हम कह सकते हैं फिर भी हमें ये इजाज़त अख्तियार नहीं है कि हम ये कह दें कि हो ही नहीं सकता, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है ना। तो लेकिन ये कि हम उनको बता देते हैं कि देखिए इतने चांसेस कम हैं, बिल्कुल नेगेटिव पे नहीं ले जा सकते। मैंने कहा ना, फिर वो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है ना, उससे अगर उसको होने वाला भी होगा तब भी वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो होपलेस ना करें, पेशेंट आ रहे हैं उसको होपलेस ना करें, उसको पहले तो फेथ दिलाएं कि होगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इसमें ट्रीटमेंट तो बहुत सारी होती हैं, आपको पता है, पहले तो हार्मोनल हम कर रहे होते हैं, फिर IUI में एक इशू होता है कि एक तो पेशेंट जितने भी मेरे पास आ रहे होते हैं, मोस्टली पेशेंट आ रहे होते हैं, उनको यही होता है कि ये सही तरीका नहीं है। वो कहते हैं कि ये राइट वे नहीं है, इस्लामिक वे से ये कुछ IUI, हाँ IUI में एग्जैक्टली होता है क्या? एक्चुअली क्या होता है इसमें रफिया, कि ये हम यूट्रस के अंदर सिमन जो होता है उसको हम अंदर पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली समझ गए ना, यानी कि जो स्पर्म होता है उसे डायरेक्टली इंड्यूस करना होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। लेकिन वो होता है उसके हस्बैंड का ही है, लेकिन लोगों के जहन में ये चीज बिठाई गई है कि वो उसके हस्बैंड का नहीं होता। अरे वही चीज मैं क्लियर कर रही हूँ आज मीडिया के थ्रू, कि जो भी आ रहा होता है ना, तो वो कह रहा था हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहनों में उनके शायद ये होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि किसी और का लेकर कंसीव करवाने के लिए किसी और का लेके डाल देते हैं, या वॉट एवर, आई डोंट नो उनका क्या दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन मैं उनको समझाती हूँ, पहला सवाल ये होता है कि ये रॉन्ग वे है, तो फिर उनको समझाती हूँ कि आपके हस्बैंड का यही है और ये हम डायरेक्टली इसलिए डाल रहे होते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मोटिवेट नहीं होते, स्पर्म पहुँच नहीं पाते हैं, तो डायरेक्टली हम डाल देते हैं ताकि उसमें अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। बेसिकली मैंने नोटिस किया है अपने प्रैक्टिस में भी कि ये मेथड इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। रिपीटेड 3 times हम करते तो हैं, लेकिन मतलब एक रेंज होती है ना, एवरेज रेंज, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना सक्सेसफुल हुआ है। ओके, तो चलिए अब इस और मेथड्स पे बात करते हैं जी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएगा और ना उम्मीद कभी भी नहीं होएगा। हम अभी वापस आते हैं।